जानवर में हिस्सा ले रहे हैं, तो बड़े जानवर में 7 हिस्से हैं, बड़े जानवर में 7। कुछ लोग अब तो ऐसे जाहिल पैदा हो गए, उन्हें बोलते हैं ऊँट में, गाय में, बैल में जो है 10 10 हिस्से होते। यहाँ 7 आदमियों को लल्लड़ मर जा रहा है, उनको गोश्त नहीं आ रहा पूरा। उन्हें बोलता मेरे को कम गोश्त, मेरे को कम गोश्त। यहाँ 10 करे तो उसको 2-2 3-3 किलो आता। इन्हें अगले साल करता ही नहीं, भाई कराऊँ मैं, मेरे को गोश्त नहीं आया। तो यहाँ पहले ही इतने जो है कम पड़ जा रहा गोश्त, तो 7 हिस्से बस, 7 से ज़्यादा नहीं। गाय, बैल, भैंस, ऊँट, ऊँटनी, इनमें सिर्फ 7 हिस्से होंगे। बकरा का 1 हिस्सा है, बकरा का 1 साल का होना ज़रूरी है। 1 साल से अगर 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। दुम्बा भेड़ 6 महीने से ऊपर है और तंदुरुस्त है तो उनको कर सकते हैं। और ऊँट ऊँटनी है, इनको 5 साल का होना ज़रूरी है। अगर ऊँट 1 दिन भी कम है, 1 घंटा भी कम है, 1 घंटा भी, अगर इसका मसला ये है, अगर कोई बकरा है, बकरी है, ऊँट है, गाय, बैल, कुछ भी है, अगर वो ईद के दिन पैदा हुआ तो वो ईद से लेकर ये ईद तक 1 साल का या 2 साल का या 5 साल का हो गया है। अब इसको आज नहीं कल करें तो इन्हें 1 साल 1 दिन का हो जाता, इसके साल पूरे हो जाते। तो अगर 1 दिन भी 1 घंटा भी कम है जो उम्र है जानवर की, उन उम्र से अगर 1 घंटा भी कम है तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, दोबारा करना पड़ेगा अगर कट जाए तो। अब मंडी को जा रहे ख़रीदने, वो बेचने वाला तो कैसे भी सोचता मेरा बिक जाना, वो झूठ झाट बोल के कैसे भी बेच देता, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें अपने दिमाग से काम करना है। हमें इतनी अकल दी अल्लाह ने, जब इतना बड़ा कारोबार हमने खड़ा कर दिया है और इतनी बड़ी दुकान हमने खोल ली है और अपनी ज़िंदगी का सारे मसले मैं हल कर रहा हूँ, तो ये मसला हल नहीं कर सकता। मुसलमान क्या लेके आता और वो छोटा, उसको बोले तो 1 साल का नहीं है, मेरे को नहीं मालूम जी मैं वैसा आदमी हूँ। भाई इतना बड़ा कारोबार है, शादी हो गई, बच्चे हो रहे, सब कुछ हो रहे, भाई इतना बेवकूफ़ी काहे को। तो हर आदमी जो है वो अपनी तरफ से देखे और इसके बारे में तहकीक करे कि 1 साल की जानवर की तहकीक क्या है, 2 साल की, 5 साल की जानवर की तहकीक क्या है। तो जो कुर्बानी का जानवर है और इसमें 7 हिस्से कर रहे हैं, तो 7 के 7 आदमियों को तोल कर देना ज़रूरी है। तोल कर, अगर बग़ैर तोले दिया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर तोल कर नहीं दे रहे, इसका मसला है, अगर तोल कर नहीं दे रहे, इस अंदाजे से दे रहे 7 के 7 को, तो फिर जो सर है ना उसके भी 7 हिस्से करो, फिर जो पाए है ना इसके भी 7 हिस्से करो, फिर दिल, गुर्दे, कलेजी जो है इसके भी 7 हिस्से करो। ऐसा करता कोई? गुर्दे उन्हें ले जाता, कलेजी उन्हें ले जाता, सर उन्हें ले जाता, पाए उन्हें ले जाता, होता नहीं। तो अगर 7 हिस्से अंदाजे से कर रहे तो इन सब के भी 7 हिस्से करना ज़रूरी है। जब इन सब के 7 हिस्से नहीं कर रहे, एक आदमी पाए ले लिया, एक आदमी सर ले लिया, एक कलेजी ले लिया, एक दिल ले लिया, गुर्दे ले लिया, तो अब 7 हिस्से को जो है वो तोल कर देना ज़रूरी है। अगर बिना तोले दे दिया, एक बोटी भी इधर से उधर चली गई, तो ये सूद में, सूद हो जाएगा, सूद में दाखिल हो जाएगा। किस तरह? अब मैं किसी को 10 रुपये दिया, मान लो किसी आदमी को 1000 रुपये की ज़रूरत थी, मैं उसको 1000 रुपये दे दिया, और मैं उससे 1000 रुपये देते वक्त ये बोला भाई मेरे को 1100 रुपये वापस करना है, तो सूद होता नहीं, ये सूद है। और सामने वाला क्या बोलेगा, ये 100 रुपये का क्यों देना, जब ये 100 रुपये ज़्यादा मेरे मैं लिया तो सूद है, और उसको देना का भी दिल दुख रहा। इसी तरह एक बोटी भी अगर फालतू चलेगी तो ये भी सूद है। तो इस तरह 7 के 7 आदमियों को तोल कर देना ज़रूरी है। नहीं तोल कर दिया तो किसी भी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं होगी।